कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से निकलकर मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा है, क्वीन विक्टोरिया क्या खाती होंगी। खैर ये रॉयल टाइप का खाना मुझे सूट नहीं करता, मुझे तो गलियों में खाना अच्छा लगता है, आपको तो मालूम ही है ना। चलिए गलियों में। कोलकाता आकर झालमुड़ी नहीं खाया तो फिर क्या खाया। और कलाकंद खाना तो कंपलसरी है भाई। कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट है जहाँ बहुत सारी किताबें मिलती हैं, लेकिन किताबें तो हम घर में भी पढ़ सकते हैं, हम तो खाने पीने के भूखे हैं और खाने पीने के लिए ही हम निकले हैं। खासकर एक दुकान ढूंढ रहे हैं जहाँ पर पकौड़े बहुत बढ़िया मिलते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स वहीं जाते हैं। उस दुकान का नाम है कालिका। चलिए आइए मेरे साथ। सही जगह पर आ गए। नमस्कार। कालिका एक छोटी सी दुकान है, बल्कि पूरी भी नहीं, आधी दुकान कहिए। यहाँ तरह तरह के पकौड़े मिलते हैं, बैंगन पकौड़ा, आलू चॉप, फिश फ्राई, फिश रोल, फिश फिंगर, चिकन कटलेट, मटन कटलेट, मोचा चॉप, वेजिटेबल चॉप। उफ, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। क्या खाइए आप? फिश कटलेट ना, फिश रोल ना, फिश फिश का बताइए, फिश का कुछ। फिश रोल, यस। ये बोलता है सरसों का राई, ये इसमें मिला के खाइएगा। तो ये है बैंगन। बैंगन, यस। और ये है फिश रोल, ऊपर बैटर लगा रहता है, मुझे लगता है थोड़ा हरा धनिया भी डाला है। बहुत ही कमाल के पकौड़े हैं, फिश के पकौड़े जिसे फिश रोल कहते हैं यहाँ पर। दादा बालो, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। पर ये आपने मोचा, मोचा जो बोला, यस, इन्होंने बताया कि मोचा होता है जो केले का जो फूल होता है उसका बनता है, उसका भी ये पकौड़ा बनाते हैं। ये वो भी ट्राई करते हैं, एक मोचा भी दे दीजिए। यस। यहाँ का बेगुनी पकौड़ा तो बहुत चलता है, वर्ल्ड फेमस इन कोलकाता। ये मोचा, मोचा, यस। और इसके ऊपर आप लगाएंगे ये सरसों का, सरसों का पेस्ट, पेस्ट। हाँ। ऐसा मोचा फिर कहाँ मिलेगा। वाह, क्या बात है। तो ये है बहुत ही बढ़िया पकौड़ों की दुकान कालिका, जहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट से लेकर बुजुर्ग लोग तक आते हैं और पकौड़ों का मजा लेते हैं। कटलेट्स, मैंने मछली खाई, उसमें मछली और आलू का मिक्सचर था, बाहर मछली थी और उसके ऊपर बहुत ही कमाल का बैटर था जो ज़्यादा फ्राई नहीं किया हुआ था, फ्राइड था लेकिन उसका एहसास नहीं हो रहा था, कमाल का बैटर था। आपको वो गाना याद आ रहा होगा, सुनो सुनो मिस चैटर जी, मछली का ये बैटर जी, DATTER बैटर। ऐसा नहीं था लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ था। खैर हमको क्या लेना देना, हमको तो पकौड़े खाने से मतलब है और यहाँ के पकौड़े एकदम आहा। खाते पीते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुबह से खाता पीता ही आ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल नहीं भरा, खाता रहे मेरा दिल। और अब कोलकाता की एक बहुत ही खास चीज खाने के लिए आया हूँ आखिर में, और वो है सौंदेश। गिरीश चंद्र देव और नकुर चंद्र नंदी की ये दुकान है जो 1251 से चल रही है। जी हाँ, 1251, आप चौंक गए, बंगाली कैलेंडर के हिसाब से 1251 यानी 1844 से 166 साल से चल रही है, ये भी चौंका देने वाली बात है। छठी पीढ़ी चला रही है ये दुकान और बनाती है सिर्फ एक आइटम सौंदेश, लेकिन हर एक टाइप का, परिजात संदेश, पाइनएप्पल, चॉकलेट, मैंगो, जौल भरा, गुड़ सौंदेश। और ये कौन सा वाला है? ये गुलाब पत्ती है। गुलाब पत्ती, ये भी मैं ट्राई करना। पानी से बनता है, सिर्फ प्लेन संदेश है, सिर्फ गुलाब पानी से बनाया जाता है, उसके ऊपर गुलाब का पत्ती लगा हुआ रहता है। अब गुलाब पत्ती खा के देखिए, इसको देख के मेरे मुंह में गुलाब का पानी पहले से ही आ गया है। बहुत ही
सॉफ्ट है और मुंह में पिघल जाता है डालते ही। ये गुलाब की पत्ती है, ये भी खाई जाती है इसके साथ। वाह, कमाल का है। आप प्लीज मुझे जरा दो मिनट बता सकते हैं कैसे बनाते हैं ये? अंदर आ जाओ। धन्यवाद। नमस्ते। कैसे बनता है जरा बताएंगे प्लीज? हम लोग बाजार से पहले दूध खरीदते हैं, उसके बाद उसको फाड़ा जाता है। इन्होंने बताया कि बहुत सारे दूध को बहुत देर तक उबाला जाता है एक सीक्रेट टेम्परेचर पर, फिर उसे फाड़ा जाता है और छेना के पानी को निकाला जाता है। उसे स्मूथ करके मोल्ड में सेट किया जाता है और तरह तरह के फ्लेवर्स डाले जाते हैं और तैयार हो जाता है डिलीशियस सौंदेश, जिसे हम जैसे बड़े बड़े लोग खाते हैं। सब लोग बोलते हैं रे साहब, सत्यजीत रे साहब यहाँ आके खाते थे। नहीं, सिर्फ सत्यजीत रे क्यों, अभिषेक बच्चन की शादी में जी, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी में भी हम लोगों के यहाँ से मिठाई गया था। राइट 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 राइट। मुझे एक्चुअली मैंने वहाँ मिस कर दी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया खाने के लिए। पारिजात संदेश और पिस्ता वाला पारिजात संदेश और प्लेन जौल भरा संदेश, ये दो किस्म का आइटम। हाँ, मैंने देखा ये था लेकिन मैं खा नहीं पाया था वहाँ, और ये यहाँ पर आके खा लिया मैंने, मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम सर। देखने में भी बहुत मज़ा आया, खाने में भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थोड़ा पैक भी करा के साथ में ले जाओ। ज़रूर। लेने का भी बहुत मज़ा आया। ज़रूर सर। धन्यवाद। कोलकाता आपके शहर में हमें सचमुच बहुत मज़ा आया। आमी तुम्हारे के बालोबाशी। बहुत प्यारा शहर है आपका और बहुत सस्ते में खाना मिलता है यहाँ पर। एक महानगर होने के बावजूद इतना बढ़िया खाना इतने कम दामों में, कमाल हो गया। मैं तो यहाँ वापस आऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा सौंदेश लेकर और कुछ यादें समेट कर। बहुत प्यारे प्यारे लोग भी थे यहाँ पर, किसी ने मुझे ब्रेकफास्ट खिला दिया, कोई मेरे साथ बेंच पर बैठ के चाय पी रहा था और कोई झालमुड़ी खिलाते खिलाते स्माइल कर रहा था। चलिए मैं चलता हूँ और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नई गली में, एक नए स्वाद के साथ। बाय बाय। कोलकाता का मेरा सबसे फेवरेट खाना था चीतोदा का वेजिटेबल स्टू और कालिका का फिश पकौड़ा।